की शाखा पर बैठा पंछी शाख के हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर विश्वास करता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना। विभिन्न पर्यटन स्थलों के साथ साथ विकास, विज्ञान, इतिहास और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के खूबसूरत जिले जनपद पौड़ी में। संस्कृति और परंपरा के लिए ही नहीं बल्कि शौर्य व अदम्य साहस के लिए भी जाना जाता है पौड़ी गढ़वाल। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पे। दर्शकों, उत्तराखंड का सुंदर और प्रकृति की गोद में बसा एक जिला है पौड़ी गढ़वाल। इस जिले का मुख्यालय पौड़ी है। खास बात यह है कि पौड़ी समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का वातावरण हमेशा सुहाना और मनोरम रहता है, इसके चलते पूरे देश से सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में मुख्य दो नदियाँ बहती हैं, जिनके नाम अलकनंदा और नायर हैं। वहीं अगर भाषा की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के लोग गढ़वाली बोलते हैं। साथ ही जिले के लोग भारतीय सेना में भी काफी संख्या में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इसकी बसावट 5,440 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक दायरे में है। ये जिला एक गोले के रूप में बसा है। इस जिले के उत्तर में चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है। वहीं दक्षिण में उधम सिंह नगर स्थित है। इसी तरह पूर्व में अल्मोड़ा और नैनीताल है, जबकि पश्चिम में देहरादून और हरिद्वार स्थित है। बताते चलें कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। दर्शकों, संस्कृति की बात करें तो ऐसे तो उत्तराखंड अपनी संस्कृति को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर बोलचाल की भाषा में लोग ज्यादातर गढ़वाली का उपयोग करते हैं, लेकिन स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा में कार्य होते हैं। साथ ही यहाँ के लोग अंग्रेजी भी अच्छी तरह से बोल सकते हैं। यहाँ के लोकगीत, संगीत और नृत्य की झलक पर्व त्योहारों में देखने को मिल जाती है। यहाँ की महिलाएं जब खेतों में काम करती हैं या जंगलों में घास काटने जाती हैं, तब अपने लोकगीतों को खूब गुनगुनाती हैं। दर्शकों, इसी प्रकार अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए ये लोक नृत्य करते हैं। पौड़ी गढ़वाल के त्योहारों में साल्टा महादेव का मेला, देवी का मेला, भौ मेला, शुभनाथ का मेला और पटोरिया मेला भी काफी प्रसिद्ध है। और पर्यटन स्थलों की यदि बात करें तो पौड़ी गढ़वाल पर्यटन के लिहाज से काफी संपन्न जिला है। यहाँ के पर्यटन स्थल में कंडोलिया का शिव मंदिर और भैरवगढ़ी में भैरवनाथ का मंदिर के अलावा बिनसर महादेव, खिरसू, लाल टिब्बा, ताराकुंड, ज्वालपा देवी मंदिर, नीलकंठ का शिव मंदिर, देवी खाल का मां बालकुमारी मंदिर प्रमुख हैं। दर्शकों, यहाँ से सबसे नजदीक हवाई अड्डा जॉलीग्रांट है, जो देहरादून में है, और जॉलीग्रांट पौड़ी से लगभग 150-160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे के नजदीक स्टेशन कोटद्वार और ऋषिकेश है। वहीं सड़क मार्ग की यदि बात करें तो यह जिला ऋषिकेश और कोटद्वार, हरिद्वार एवं देहरादून से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। दर्शकों, पौड़ी गढ़वाल के इतिहास की यदि बात करें तो दस्तावेज के अनुसार पौराणिक काल में भारतवर्ष में रजवाड़े निवास करते थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजवंशों का शासन था। इसी प्रकार उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे पहला राजवंश कत्यूरी था। कत्यूरी राजवंश ने अखंड उत्तराखंड पर शासन किया और शिलालेख और मंदिरों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण निशान छोड़ गए। कत्यूरी के पतन के बाद माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र एक सरदार द्वारा संचालित 60 से अधिक चार राजवंशों में विखंडित कर दिया गया था, लेकिन तब प्रमुख सेनापति चंद्रपुरगढ़ क्षेत्र के थे। दर्शकों, जनपद पौड़ी को कई हमलों का सामना भी करना पड़ा। चंद्रपुरगढ़ के राजा जगतपाल ने 1455 से 1493 तक शासन किया। वहीं 15वीं शताब्दी के अंत में राजा अजयपाल ने चंद्रपुरगढ़ पर शासन किया। इसके बाद उसके राज्य को गढ़वाल के रूप में जाना जाने लगा।
राजा अजयपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने लगभग 300 साल तक गढ़वाल के क्षेत्र पर शासन किया था और इस अवधि के दौरान उन्होंने कुमाऊं, मुगल, सिख और रोहिला से कई हमलों का सामना किया था। दर्शकों, गढ़वाल के इतिहास में कई बेहद दर्दनाक घटनाएं भी हुई हैं। इसके ऊपर गोरखाओं ने भी आक्रमण किया है। डोटी और कुमाऊं पर कब्जा करने के बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि गोरखाओं ने कई वर्षों तक गढ़वाल पर शासन किया था। दर्शकों, इसके बाद 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं के जबरदस्त विरोध और चुनौती पेश करने के बावजूद उन्हें यहां से खदेड़ कर काली नदी के पार भेज दिया। फिर 21 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि ये भी गुलामी ही थी, लेकिन अंग्रेजों ने गोरखाओं की तरह क्रूरता नहीं दिखाई। अंग्रेजों ने पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। दर्शकों, सदियों से गढ़वाल हिमालय में मानव सभ्यता का विकास शेष भारतीय उपमहाद्वीपों के समानांतर रहा है। कत्यूरी पहला ऐतिहासिक राजवंश था जिसने एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया और शिलालेख और मंदिरों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख छोड़ दिए। कत्यूरी के पतन के बाद की अवधि में ये माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र 64 से अधिक रियासतों में विखंडित हो गया था और मुख्य रियासतों में से एक चंद्रपुरगढ़ थी, जिस पर कनकपाल के वंशज थे। 15वीं शताब्दी के मध्य में चंद्रपुरगढ़ जगतपाल 1455 से 1493 ईस्वी, जो कनकपाल के वंशज थे, उनके शासन के तहत एक शक्तिशाली रियासत के रूप में उभरा। 15वीं शताब्दी के अंत में अजयपाल ने चंद्रपुरगढ़ पर सिंहासन किया और कई रियासतों को उनके सरदारों के साथ एकजुट करके एक ही राज्य में समायोजित कर लिया और इस राज्य को गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने 1506 से पहले अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ और बाद में 1506 से 1519 ईस्वी के दौरान श्रीनगर स्थानांतरित कर दी थी। राजा अजयपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने लगभग 300 साल तक गढ़वाल पर शासन किया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने कुमाऊं, मुगल, सिख, रोहिला के कई हमलों का सामना किया था। गढ़वाल के इतिहास में गोरखा आक्रमण एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह अत्यधिक क्रूरता के रूप में चयनित थी और गोरखा इन्हीं शब्द नरसंहार और लूटमार सेनाओं का पर्याय बन गया था। दति और कुमाऊं के अधीन होने के बाद गोरखा ने गढ़वाल पर हमला किया और गढ़वाली सेनाओं द्वारा कठोर प्रतिरोधों के बावजूद लंगूरगढ़ तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच चीनी आक्रमण की खबर आ गई और गोरखाओं को घेराबंदी करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि 1803 में उन्होंने फिर से एक आक्रमण किया। कुमाऊं को अपने अधीन करने के बाद गढ़वाल में त्रय यानी तीन स्तंभ आक्रमण किया है। 5000 गढ़वाली सैनिक उनके इस आक्रमण के रोष के सामने टिक नहीं सके और राजा प्रद्युम्न शाह अपना बचाव करने के लिए देहरादून भाग गए। गोरखा सेनाओं के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। गढ़वाली सैनिक कई मात्रा में मारे गए और खुद राजा खुड़बुड़ा की लड़ाई में मारे गए। 1804 में गोरखा पूरे गढ़वाल के स्वामी बन गए और 12 साल तक क्षेत्र पर शासन किया। सन 1815 में गोरखाओं का शासन गढ़वाल क्षेत्र से समाप्त हुआ, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को उनके कड़े विरोध के बावजूद पश्चिम में काली नदी तक खिसका दिया था। गोरखा सेना की हार के बाद 21 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने गढ़वाल क्षेत्र के पूर्वी गढ़वाल का आधा हिस्सा, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पूर्व में स्थित है, जो कि बाद में ब्रिटिश गढ़वाल और देहरादून के दून के रूप में जाना जाता है, उस पर अपना शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। पश्चिम में गढ़वाल के शेष भाग जो राजा सुदर्शन शाह के पास था, उन्होंने टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित की। प्रारंभ में कुमाऊं और गढ़वाल के आयुक्त का मुख्यालय नैनीताल में ही था, लेकिन बाद में गढ़वाल अलग हो गया और 1840 में सहायक आयुक्त के अंतर्गत पौड़ी जिले के रूप में स्थापित हुआ और उसका मुख्यालय पौड़ी में गठित किया गया। आजादी के समय गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को कुमाऊं डिवीजन के आयुक्त द्वारा प्रशासित किया जाता था। 1960 के शुरुआती दिनों में गढ़वाल जिले से चमोली जिले का गठन किया गया। 1969 में गढ़वाल मंडल पौड़ी मुख्यालय के साथ गठित किया गया। 1998 में रुद्रप्रयाग के नए जिले के निर्माण के लिए जिला पौड़ी गढ़वाल के खिरसू विकास खंड के 72 गांव के लेने के बाद जिला पौड़ी गढ़वाल आज अपने वर्तमान रूप में पहुंच गया है। 25 अगस्त 1994 का दिन उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में दर्ज है। ये वो दिन था जब तिहाड़ जेल में बंद राज्य आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर 6 युवा पौड़ी ऑडिटोरियम की छत पर चढ़े थे।
पौड़ी से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज हुई और आखिरकार तिहाड़ जेल में बंद आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया गया। आंदोलन के उस दौर में तकरीबन ढाई दशक पहले पृथक राज्य की मांग को लेकर लोकसभा में छलांग लगाने के आरोप में छात्र नेता मोहन पाठक और मनमोहन तिवारी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इसकी भनक जैसे ही पहाड़ में फैली तो पौड़ी में 25 अगस्त 1994 को छात्र प्रदीप रावत, हेमेंद्र नेगी, सुनील नेगी, जगदीश मनोज रावत, सुरेंद्र राणा ऑडिटोरियम की छत पर चढ़ गए और तिहाड़ में बंद आंदोलनकारियों की रिहाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। दर्शकों, आपको बता दें कि जनपद पौड़ी पर्यटन के संदर्भ में भी विश्व प्रख्यात है। यदि अगर हम बात करें पौड़ी शहर की तो यहाँ भी कुछ फेमस स्पॉट्स हैं जो यहाँ की सुंदरता को बयां करते हैं। पौड़ी शहर से हिमालय पर्वत की वादियाँ सफेद चादर से ढकी हुई नजर आती हैं, जो कि एक मनमोहक दृश्य होता है। और अगर मौसम साफ रहे तो यहाँ से हिमालय की चौखंबा पीक भी साफ साफ दिखाई देती है और हिमालय इसके बिल्कुल सामने होने के कारण यहाँ ठंड भी काफी होती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1765 मीटर है। यहाँ पर स्थित कंडोलिया मंदिर के बारे में बताना चाहूंगी कि कंडोलिया मंदिर पौड़ी शहर के ऊपरी भाग में स्थित है, क्योंकि पौड़ी एक पर्वतीय घाटी में बसा हुआ शहर है। ये मंदिर कंडोलिया मार्केट के समीप बांस बुरांच के जंगल के बीच स्थित है, जहाँ जाने से एक बेहद सुखद और शांति की अनुभूति होती है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके पास ही एक पार्क भी स्थित है जिसे कंडोलिया पार्क कहते हैं, जिसमें काफी लोग रोजाना घूमने आते हैं और कंडोलिया मार्केट के समीप ही कंडोलिया स्टेडियम भी है। दर्शकों, इसी के साथ ही यहाँ का रांची स्टेडियम काफी प्रख्यात है। आपको बताना चाहूंगी कि रांची स्टेडियम एशिया का दूसरे नंबर में आने वाला सबसे अधिक ऊंचाई में आने वाला स्टेडियम है, जो कि एशिया में सेकेंड हाईएस्ट स्टेडियम है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 7000 फीट है। खिरसू की यदि बात करें तो खिरसू एक पहाड़ी गांव वाला क्षेत्र है जो कि घने बांस बुरांस के जंगल से घिरा हुआ है। ये एक इको फ्रेंडली पार्क है दर्शकों, जो कि पौड़ी शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहां लोग अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और नेचर फोटोशूट में आप आनंद उठाते हैं तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। ये जगह घूमने के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से सभी हिमालय पर्वत काफ़ी साफ दिखाई देते हैं। पौड़ी शहर यानी पौड़ी सिटी की यदि बात करें तो चीड़ व देवदार के जंगलों से घिरा उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन पौड़ी कंडोलिया पहाड़ियों की ढलानों पर स्थित है। इस जगह से आप बर्फ से ढकी बंदरपूंछ, गंगोत्री ग्रुप, केदारनाथ, नीलकंठ, नंदा देवी और त्रिशूल वगैरह पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा साफ देख सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में है पौड़ी। चौखंबा व्यू पॉइंट की यदि बात करें तो ये पहाड़ी चौकोर आकार की है, इसलिए इसे चौखंबा पहाड़ी कहा जाता है। ये पौड़ी से 4 किलोमीटर दूर है, जहां से एक तरफ गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरी तरफ नीलकंठ, नंदा देवी पहाड़ी आदि कई जगहों का खूबसूरत नजारा लिया जा सकता है। यहाँ के घने जंगल भी आपको बेहद अपनी ओर आकर्षित करेंगे। बताना चाहूंगी यहाँ पर स्थित नाग मंदिर के बारे में। नाग देवता का मंदिर बूबाखाल की रोड पर पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के रास्ते में आप हिमालयन रेंज का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। और यहीं पर स्थित है कंकालेश्वर मंदिर। 8वीं शताब्दी का यह मंदिर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेयन को समर्पित है। यह पौड़ी शहर में स्थित है। हालांकि यहाँ पहुंचने के लिए आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी, लेकिन यहाँ आकर जो लुभावना दृश्य आप देख पाएंगे उससे आपकी सारी थकान मिट जाएगी। यहाँ पास के इदवाल रिज से आप तमाम चोटियों का और सम्मोहक दृश्य देख सकते हैं। दर्शकों, ताराकुंड के बारे में बताना चाहूंगी कि ताराकुंड झील पौड़ी जिले के कमरगढ़ गांव पौड़ी शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये झील हरे भरे पेड़ों तथा रंग बिरंगी जंगली फूलों से घिरी हुई है। ताराकुंड पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित खूबसूरत पर्यटक स्थल है। ताराकुंड समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। ताराकुंड बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित जगह है जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। डांडा नागरजा मंदिर भी यहीं पर स्थित है। डांडा नागरजा मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से 37 किलोमीटर दूर पर स्थित है।
उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जिस देवशक्ति की सर्वाधिक मान्यता है वो है भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में बहुमान्य नागराजा की। अधवानी बगानी खाल मार्ग पर ये मंदिर पौराणिक दृष्टि से इसका एक अपना ही एक अलग महत्व है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जिस देवशक्ति की सर्वाधिक मान्यता है वो है भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में नागराजा की। इसका मुख्य धाम तो उत्तरकाशी में से मुखेम है। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। चलते चलते कहना चाहूंगी, अपने माता पिता का दिल जीत लिया तो सब कुछ जीत जाओगे, वरना इस जहां में सब कुछ जीत कर भी हार जाओगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर, आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका बिजनेस सॉल्यूशंस, वेयर योर सर्च एंड्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, फोटोशूट एंड एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, प्रिंट एंड सोशल मीडिया, बुक्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स एंड बैनर्स, कॉफी टेबल बुक डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कॉन्टैक्ट अस इफ यू वॉन्ट टू आउटशाइन द रेस्ट। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया, उत्तराखंड का प्रख्यात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया हाउस। जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।